नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने एज एक्सपेक्टेड नीचे की मूवमेंट दी। बैंक निफ्टी ने आज मॉर्निंग में ओपन नीचे होके एक अच्छा पुल बैक दिया था, 200 से 300 पॉइंट का एक अच्छा पुल बैक दिया और वहाँ से दिन भर डाउनवर्ड मूवमेंट रखा। अभी जैसे कि मॉर्निंग में जब आधा घंटे का हम लोग हाई लो देखते हैं तो आधे घंटे में पहली बात क्या हो गई कि जैसे कि ये ऊपर की साइड में अगर हम देखते हैं, अपवर्ड एंगल अगर हम हाई से डालते हैं तो वो तो वहाँ पे काम हुआ नहीं, और नीचे के साइड में अगर हमने डाउनवर्ड एंगल डाला तो डाउनवर्ड एंगल में क्या हुआ कि नीचे के साइड में एक ब्रेकआउट तो आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया लेकिन ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं और वो ब्रेकआउट यहाँ पे एक बार अंदर आ गया। जैसे कि गोली का मिसाल है तो अंदर आना नहीं चाहिए, तो वो आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक थोड़ा साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। अभी क्या हुआ कि मैंने मॉर्निंग में एक टेलीग्राम में मैसेज डाला था, ये यहाँ पे जैसे ये टूटा तो मैंने ये सोचा कि जब तक ये एंगल नहीं टूटता तब तक बाय नहीं देना है। लेकिन बाद में जब ये ऐसा मोमेंट जब आया कि यहाँ से ऊपर जाके एंगल के ऊपर आया और वहाँ से नीचे आके वापस जब ये ऊपर आया तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होता है जो करीबन आपको 200-300 पॉइंट दे सकता है, ऐसे मुझे लगा। लेकिन उसमें उतनी भी ताकत नहीं थी। अगर देखा जाएगा तो मैंने सोचा था कि ये 550 तक की मूवमेंट दे देगा। अगर इसका डाउनवर्ड एंगल हम लोग ये हाई का जो डाउनवर्ड एंगल है यहाँ पे देखेंगे तो ये 550 का पॉइंट आता है, तो मैंने 550 का टारगेट रखा था। समझो 520-30 तक भी जाता तो भी कोई गम नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मैंने 315 या 20 में कुछ बाय सिग्नल दिया और वो ज़्यादा से ज़्यादा 430 तक ही गया। मतलब क्या हो गया, 100 पॉइंट ऊपर जाके उसने मोमेंटम छोड़ दिया। तो वो थोड़ा सा मुझे बाद में वो उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जैसे कि ऊपर 100 पॉइंट जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मैं भी एग्जिट दे नहीं पाया उतना। मैं बोला अभी उसमें कुछ दे नहीं पाते तो फिर छोड़ दो, जो स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दो। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस एक बार मूवमेंट ऊपर की आई और बाद में नीचे आके बंद हो गया। तो कल के लिए अगर हम लोग सोचते हैं कि बैंक निफ्टी क्या होगी, तो बैंक निफ्टी क्लियर कट प्रेशर में है, निफ्टी क्लियर कट प्रेशर में है एज पर डेली चार्ट के हिसाब से। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते या निफ्टी का चार्ट देखते तो उसमें हमको क्या देखना चाहिए, उसमें ये देखने का था कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा हाई बना के, मतलब ऑल टाइम हाई अच्छा बना के एक लो तोड़ दिया। अभी यहाँ पे आप ये चार्ट में देखोगे तो ये एक अच्छा हाई बना था, इसका ये लो बना था, ये हाई ने एक लो बनाया और ये हाई ने वापस एक हाई बनाया। अभी ये जो लो था, ये लो से जो डाउनवर्ड एंगल गया है ये आपको एक मैक्सिमम सपोर्ट के तौर पे काम करेगा जो 42,950 के आसपास है। तो 42,950 जो है एक अच्छा सपोर्ट रहेगा जिसके नीचे वो और भी जोर से मोमेंटम देगा। अब उसके नीचे जोर से मोमेंटम जो है वो 750 और 500 के आसपास लेके जाता है, तो वो अभी मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे कि कैसे वो सपोर्ट आ रहा है। अभी मैंने डाल के रखा है वो सपोर्ट, तो डाल के रखा है, उसमें कोई ये नहीं है। आपको इंट्राडे में लाइव अपडेट जो है मैं टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूँगा, तो आप सबको रिक्वेस्ट ये है कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली हुई है तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के तौर पे 43,480 और 500 का जोन रहेगा और मेन जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 670 के जोन में रहेगा। तो यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो ही फिर कुछ आगे होने वाला है, तब तक तो बैंक निफ्टी सेल में ही रहने वाली है। तो आपको ये लेवल आपको वॉच करनी है 670 की या 700 की जो जोन है, 670 से लेकर 700 की जोन है, वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी में कुछ होने वाला नहीं, तब तक साइडवेज डाउनवर्ड मोमेंटम रहेगी। अभी आज के दिन में बैंक निफ्टी ने कैसे
कैसे बिहेव किया रिप्ले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि रिप्ले भी आप दिखाइए। आपने अगर गौर सब वीडियो देखे होंगे तो शुरुआत के समय में मैंने शुरुआत ही रिप्ले से शुरू की थी कि मेरे जो शुरू के वीडियो है मैं उसमें पहले रिप्ले डालता था कि यह टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद मैंने रिप्ले डालना छोड़ दिया। तो वापस रिप्ले का रिक्वेस्ट आया तो मेरे दिमाग में भी ये आया कि अगर हम लोग रिप्ले दिखाएंगे तो उससे आपको एक पता चलेगा कि डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल है क्या, और वो ट्रेंड लाइन नहीं है। जैसे आज भी एक ने मुझे एक व्यूअर ने पूछा था कि ये ट्रेंड लाइन है क्या, तो ट्रेंड लाइन नहीं है ये, डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल जो है उसका बेसिक डिफरेंस जो है आप पहले समझ लीजिए। ट्रेंड लाइन वर्सेस टाइम एंगल वर्सेस ट्रेंड लाइन करके मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख लेंगे तो आपकी बहुत से क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं अभी ये रिप्ले मोड पे लेके जाता हूँ, अभी आप देखेंगे ये कल का क्लोजिंग था अपना, ये अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल जो है वो फिक्स है, उसमें कोई एंगल का चेंज नहीं होता है, इसको आप घुमा सकते हो। तो आप देख लो अभी जैसे कि ये ओपन हो गया, फर्स्ट बार ओपन हुआ, सेकंड बार ओपन हुआ, थर्ड बार ओपन हुआ, फोर्थ हो गया, यहाँ पे एक अभी जैसे कि ये मैंने अपवर्ड एंगल डाल दिया और ये लो से मैंने एक डाउनवर्ड एंगल डाल दिया। डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद आप देखेंगे कि ये कैसे डाउनवर्ड एंगल पे जाके रुक गया। अभी यहां पे ये अब एंगल के ऊपर आके उसने एक मोमेंटम दी, तो मैंने ये यहां पे बाय सिग्नल जनरेट किया था। देखो ये बाय सिग्नल यहां पे मैंने जनरेट किया ये बार पे, और मैंने सोचा कि एक 550 तक जाएगा जो यहां पे यहां तक जाएगा ऐसा मैंने सोचा, लेकिन वो गया नहीं। और उसके बाद मैं एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर पे निकल गया, तो यहाँ से आगे की मूवमेंट जो थी मैंने देखी नहीं, तो मैं घर पे जाके निकल गया मैं, तो उसके बाद ये बंद हो गया। तो ये टाइम एंगल जो है अगर आप देखेंगे तो ये टाइम एंगल को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट मिला है। तो ऐसे अगर आप देखते जाएंगे तो आपको छोटी छोटी मूवमेंट में भी पता चलेगा कि ये डाउनवर्ड एंगल है, ये यहाँ से अपवर्ड एंगल डालेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। मतलब हर चीज़ में आप छोटी छोटी मूवमेंट भी कैच कर सकते हो, लेकिन वो कैच करने के इसमें हम लोग बड़ी मूवमेंट मिस करते हैं। इसके लिए मैं छोटी मूवमेंट को अवॉइड करता हूँ कि आप छोटी मूवमेंट को पकड़ना थोड़ा अवॉइड कीजिए जिससे बड़ी मूवमेंट अपने हाथ से नहीं निकल जावे, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे पॉइंट पे अगर हमने काम किया तो एक ही सौदा अपने को एक दिन का, दो दिन का या आठ दिन का पैसा देके जाता है। तो वैसे अपन अगर हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इसके लिए मैं आपको सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा। आप भी मुझे सजेशंस देके या कमेंट देके मेरा मोरल बढ़ाइए, शेयर करके, लाइक की करके, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। अभी इसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी तो हो गई, निफ्टी में आपको क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे निफ्टी में भी सेम मोमेंटम हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसा निफ्टी में, तो निफ्टी का भी मैं रिप्ले दिखा देता हूँ आपको एक दो मिनट। ये कल का बार का क्लोजिंग है, जैसे आज ओपनिंग में अभी ये मैंने रैंडमली शेयर एंगल डाले हुए, जैसे जैसे होएगा मैं डालते जाऊंगा। आप देखो यहाँ पे ये मैंने चालू किया है, ये फर्स्ट बार ओपनिंग का हुआ, तो फर्स्ट बार में मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाल दिया, समझो ये ऊपर का मैं लेके डाल देता हूँ हाँ, और यहाँ पे ये अपवर्ड एंगल मैंने यहाँ पे एक्चुअली डालना था, ये कल का जो नॉच था वहाँ से मैंने ये डाला था, तो उस हिसाब से वो 500 का पॉइंट आया, नहीं 450 का ही आया था।
तो ये डाउनवर्ड एंगल यहाँ पे टूटा, देखो ये मैंने हाई से भी डाला हुआ है, डाउनवर्ड एंगल टूटा और ये यहाँ पे ऊपर आया। तो यहाँ पे ऊपर आने के बाद मैं कंफर्म हो गया कि ये डाउनवर्ड एंगल वापस टूटने वाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाला कि डाउन बाय ऑन डिक्लाइन करके, और निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया। जैसे कि कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी से एक समझो आपने 18,320 के आसपास खरीदी किया है, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको निफ्टी में मिली थी, तो ये एक अच्छा ट्रेड था। अगर आप देखो यहाँ से ये अपवर्ड एंगल डाला तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया और वहाँ पे ये एग्जिट आया, ये एग्जिट इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो ये मार्केट चालू है, मैंने ये डाला है अपवर्ड एंगल और यहाँ पे देखो कैसे ये यहाँ से नीचे आके वहाँ पे ही अटक गया, तो ये बातें इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखो आप वहाँ से वापस यहाँ पे साइडवेज आके रुक गया। अभी यहाँ पे अगर आपने लो को ये शिफ्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट लो बन गया। तो ये चीज़ें है, ये रिप्ले में मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो मैं रिप्ले के लिए 2 मिनट खर्चा करना चाहूँगा रोज, कि जैसे कि 2 मिनट के लिए अगर रिप्ले दिखाया तो आपको टाइम एंगल कैसे काम करता है वो पता चलेगा। इवन ये आप यहाँ से भी डाल सकते हैं डाउनवर्ड एंगल, यहाँ से अपवर्ड एंगल डाला, तो कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे ये डाउनवर्ड जब मूवमेंट शुरू हो जाती है तो कोई भी रिसेंट मतलब फर्स्ट जो हाई है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस इतना ही देखने का है। जैसे कि अगर हम लंबे इसमें देखते हैं तो ये अपवर्ड एंगल जो है ये क्रॉस होना चाहिए, नहीं चाहिए। बाद में ये लो के नीचे ये लो मारा तो ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आपको देखना है और उस हिसाब से ट्रेंड को डिसाइड करना है। अभी बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि कंपैरेटिवली निफ्टी में एक सेलिंग मूवमेंट क्यों आई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक्चुअली निफ्टी ने एक अच्छा बाय सिग्नल दिया था। यहाँ पे जब 550 के ऊपर आया था तो 550 के ऊपर एक अच्छा बाय सिग्नल आके निफ्टी नीचे घुसी है, तो वहाँ पे वो तकलीफ हो गया। जैसे कि मैंने ये मैं बोला कि यहाँ से अगर आप डाउन ट्रेंड देखते हो तो कोई भी हाल में कोई भी रिसेंट हाई जो है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि ये यहाँ पे हमने क्रॉस करके यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट किया था, उसी हिसाब से ये बाय सिग्नल ख़त्म यहाँ पे होता है और सेलिंग यहाँ पे चालू हो जाती है। यहाँ पे ये सेलिंग चालू हो गई, तो यहाँ पे ये बाय सिग्नल ख़त्म हो गया। मैंने 18,600 का स्टॉप लॉस डाला था जिसके नीचे कैरी का सौदा ख़त्म करने का ये करके मैंने बताया था, और उसके नीचे ये इंट्राडे में सेलिंग का मैंने सिग्नल दिया था। तो आपको ये देखना है कि उस हिसाब से टाइम एंगल को कैसे ट्रीट करना है। आज के दिन में अगर कल के लिए देखेंगे तो निफ्टी में रेजिस्टेंस के तौर पे 18,430 है, 18,500 है, 18,550 है। जैसे ये अगर एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए तो ये 430 का पॉइंट है। उसके बाद आपको यहाँ से अगर आप डालेंगे तो 500 का आएगा और वहाँ से ऊपर का 550 का आएगा। नीचे के साइड में 250 का एक सपोर्ट है जो यहाँ पे है, दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ ये लो से शिफ्ट करेंगे तो एक करीबन 200 के आसपास आएगा। तो इसको मैंने इग्नोर किया हुआ है, 150 पकड़ा हुआ है, और 17,950 डेली के हिसाब से बहुत अच्छा बाइंग सपोर्ट है। तो ये आपके लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू एक्सप्लेन किया, टाइम एंगल कैसे काम किया है वो भी आपको रिप्ले में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका प्यार मुझे सब्सक्राइब बटन दबा के दिखाइए और लाइक कीजिए, जिसके वजह से मैं मोटिवेट होके आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। ये वीक में मैं कोशिश करूँगा एक लर्निंग वीडियो डालने का, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ सोचा नहीं है, मेरे दिमाग में टॉपिक भी नहीं है। देखते हैं जैसे सैटरडे संडे में मैं कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।